राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। जिस क्षण का इस देश ने लगभग 500 वर्षों तक इंतजार किया, आखिर वह दिन आ ही गया। रामलला टाट से निकलकर ठाट पर महल में विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य यजमान के रूप में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न किया। अयोध्या में प्रभु राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया। आज के दिन देश के अलग अलग मंदिरों में जबरदस्त तरीके से पूजा पाठ का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी राम भक्त अपने आराध्य के स्वागत के जश्न में डूबे हुए दिखाई दिए। अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संपन्न करने के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार हमारे राम आ ही गए। उन्होंने कहा कि अलौकिक क्षण है, यह क्षण पवित्र है, 22 जनवरी नए कालचक्र का उद्गम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूरी करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंदिर वही बनाया गया जहां हमने इसे बनाने का संकल्प लिया था। राम मंदिर परिसर के अंदर सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह एक भावनात्मक क्षण था, क्योंकि रामलला आखिरकार अपने सिंहासन पर लौट आए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर जिले के सरायरंजन में 500 बिस्तरों वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया। भगवान राम और माता सीता के नाम पर बनाए गए इस सरकारी मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS सीट और OPD सेवा के साथ 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है। प्रोफेसर प्रदीप लिंगफा ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT परनाइक ने राजभवन में लिंगफा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दिल्ली में सोमवार को सर्दी से थोड़ी राहत मिली, जहां न्यूनतम तापमान एक दिन पहले 4.8 डिग्री से बढ़कर 6.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने आरोप लगाया कि पूरा देश अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मना रहा है, जबकि यहां राज्य सरकार के नियंत्रण में एक श्री राम मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों को दमन का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सोमवार को एक पटाखे की दुकान में हुए विस्फोट में 2 बच्चों की मौत हो गई। अयोध्या में आखिर रामलला विराजमान हो गए। पूरे विधि विधान के साथ भगवान के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसी बीच रामलला की मूर्ति की बेहद खास तस्वीरें सामने आई। श्रृंगार युक्त मूर्ति में भगवान के पूरे स्वरूप को देखा जा सकता है। इंडिया दर्पण, दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस क्षण का इस देश ने लगभग 500 वर्षों का इंतजार किया था, आखिर वह दिन आ ही गया। रामलला टाट से निकलकर ठाट से महल में विराजमान हो चुके हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य यजमान के रूप में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा साधु संतों और देश के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में हुई। वहीं श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संपन्न करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार हमारे राम आ ही गए। उन्होंने कहा कि अलौकिक क्षण है, यह क्षण पवित्र है, 22 जनवरी नए कालचक्र का उद्गम है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज सदियों के धैर्य की धरोहर मिली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हजारों साल बाद भी आज के इस दिन की चर्चा होगी। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित अभी भी उस पल में लीन है।
हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है, आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूँ। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूँ। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूँ। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूँ कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है, वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इनसे भी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलोकी हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति समनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है।
भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं, आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है, आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ राम लला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आज का आनंद शब्दों में वर्णनातीत है और उसके वर्णन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है। ये भी बता दिया गया है और हम जानते भी है कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहाँ पर अनुभव कर रहे पूर्ण देश में यही वातावरण है। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद, जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे। उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया। उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहाँ इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्म प्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा, ऐसे इस इतिहास का सामर्थ्य है। परंतु उसमें हमारे लिए कर्तव्य का आदेश भी है। प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमको भी तप करना है। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारत वर्ष की संतानें हैं। कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा और इसलिए आपस में समन्वय रखकर व्यवहार करना, ये धर्म का पहला जो पहर है सत्य, उसका आचरण है। करुणा दूसरा कदम है, उसका आचरण है। सेवा और परोपकार, सरकार की कई योजनाएं गरीबों को राहत दे रही, सब हो रहा है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है। ये सब समाज बांधव हमारे अपने बंधु है, तो जहां हमको दुख दिखता है, पीड़ा दिखती है, वहां हम दौड़ जाए, सेवा करें, दोनों हाथों से कमाए, अपने लिए न्यूनतम आवश्यक रखकर बाकी सारा वापस दे सेवा और परोपकार के माध्यम से। ये करुणा का अर्थ आज है। रामलला आए हैं हमारे मन को आह्लादित करने के लिए, उत्साही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए हैं। उनका आदेश सर पे लेके
हम यहाँ से जाए। सब लोग तो यहाँ आ नहीं सके, लेकिन वो सुन रहे, देख रहे, अभी इसी क्षण से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्माण पूरे होते होते विश्व गुरु भारत का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। इतनी क्षमता हम सबकी है। इसका मैं एक बार स्मरण देता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ। प्रभु रामलला के भव्य दिव्य और नव्य धाम में बाजार विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है। हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं। पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। जो संकल्प पूर्वजों ने लिया था उसकी सिद्धि की भी सभी को बधाई देते हुए प्रभु के चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज के इस रामोत्सव के अवसर पर कोटि कोटि बधाई और अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय सीताराम। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Mother India पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। श्री राम मंदिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश सहित भारत की राजधानी दिल्ली का माहौल राममय हो गया है। इस अवसर पर दिल्ली के सी ब्लॉक सनातन धर्म मंदिर मानसरोवर गार्डन, राधेश्याम मंदिर मानसरोवर गार्डन, सनातन धर्म मंदिर रमेश नगर और सूर्य मंदिर रमेश नगर में राष्ट्र सर्वप्रथम टीम पहुंची और मंदिरों के उत्साह का जायजा लिया। देखें राष्ट्र सर्वप्रथम टीम के साथ दिल्ली के उत्सवमय माहौल की एक झलक। मेरे अंगन में, ओ मेरे अंगन में बनने के मेहमान रे, पगे पगे पे बिछा दो अपने पान रे, आ जाएंगे भगवान कोई का नाम मेरा। मेरे अंगन में, ओ मेरे अंगन में बनने के मेहमान रे, पगे पगे पे बिछा दो अपने पान रे। ओ रामचंद्र भगवान की जय। गोपाल प्रधान श्री सनातन धर्म मंदिर मानसरोवर गार्डन सी ब्लॉक। अंकल जो आप राम मंदिर जिस तरह बनाया आज 22 जनवरी में मोदी जी ने उद्घाटन किया है, उसमें आप लोग क्या कार्यक्रम कर रहे हैं और देश को कैसे आप राम मंदिर में संबोधित करेंगे? हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम इस समय अयोध्या जी में ही हैं। अयोध्या में कार्यक्रम जो हो रहा है उसी कार्यक्रम को लेकर हम यहाँ पर चल रहे हैं कि राम सर्वव्यापक है। और इस मंदिर में आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? मंदिर में आज के दिन जो है ये स्क्रीन लगा रखी है,
और अयोध्या जी का आंखों देखा हाल जो है वो सारे का सारा टेलीकास्ट हो रहा है। मैं अशोक मग्गो मानसरोवर गार्डन का निवासी हूँ, मंदिर में सेवादार हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा आज का दिन, भगवान करे चढ़ती कला मेरे हिंदू समाज बहुत अच्छा लगा मेरे। और इसी खुशी में हम लोगों ने मंदिर में प्रसाद वगैरह और बड़ी स्क्रीन लगाई, सब ये बुजुर्गों का आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर के ऊपर दान है। मैं विश्वजार गुप्ता मंदिर का सेवक मानसरोवाड़े में रहता हूँ। ये हमको बड़ी खुशी का हाल है कि आज 500 साल बाद हमने श्री राम जी के लिए विजय प्राप्त की है। यही मेरी शुभकामना है। और मंदिर में हम भंडारा कर रहे हैं, अपने यहाँ जितने कौनी के लोग इकट्ठेंगे सब मिलजुल के अपना भोजन प्रसाद करेंगे बाद में। मैं जयप्रकाश मल्होत्रा मंदिर का कोषाध्यक्ष हूँ, सरस्वती गार्डन रहता हूँ, प्रातः प्रतिदिन आता हूँ। और इस मंदिर की जो शोभा है श्री राम की कृपा से बहुत ज़्यादा है, और श्री राम के इस मंदिर के ऊपर बहुत ही कृपा है। हम मंदिर में बड़ा स्क्रीन लगाकर उसके ऊपर अयोध्या से डायरेक्ट टेलीकास्ट भी कर रहे हैं, और जितना भी हो सके घरों में जा जा कर सबको प्रेरित किया है कि मंदिर में आकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वो करें। इसके पश्चात हमारे मंदिर की तरफ से भंडारा आदि का प्रोग्राम भी है, और ये प्रभु की बहुत ही कृपा है। जय श्री राम। जय श्री राम। आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है, और सबके मन में उत्साह है। राम जी की स्थापना दिवस है, जो अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है उसका हमारे सी ब्लॉक सनातन धर्म मंदिर में लाइव प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। और मैं इस मंदिर में जनरल सेक्रेटरी के पद पे हूँ, और इस कार्यक्रम में जो हमारे मोदी जी ने इस कार्यक्रम को दिया है उसमें घर घर जाके अक्षत बांटे गए, और इस मंदिर की तरफ से लड्डू प्रसाद बांटे गए। घर घर जाके जितना भी परिवार, हमने लगभग 600 परिवारों में संपर्क किया इस मंदिर में, और जो मंदिर में आया उसको हमने निमंत्रण, आज का निमंत्रण हमारे मंदिर का निमंत्रण दिया गया कि जी आप हमारे मंदिर में आइए और इस कार्यक्रम में शामिल होइए। इसके बाद में हमारे भंडारा रखा है, 500 लोगों का भंडारा है, और उसके बाद में जो जो साथ में अपने खुशी से कोई लड्डू प्रसाद ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत उत्साह है लोगों में, वो सबको प्रसाद वितरण किया जाएगा भंडारे के बाद में। जय श्री राम। मैं भूषण चोपड़ा इसी मंदिर से जो है संपर्क में हूँ। काफ़ी देरों से हम, आज का दिन हमारे जीवन का ये पहला दिन, पहला अवसर होगा कि हमें अपने जीवन में राम मंदिर टूटता भी देखा और राम मंदिर को बनते भी देखा। जय श्री राम बोल के इस मंदिर की जो है ना इतनी शोभा है सारे हमारे प्रांत में जो है, ये मंदिर जो है ना हर कार्यक्रम यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज इस मंदिर में भी इसी प्रकार भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम तो कहेंगे पूरे विश्व में जो है ना प्रभु राम का प्रचार हो रहा है। इसको देखकर हमारा मन इतना खुश है कि आज हम फूले नहीं समा रहे, सब भक्तों के साथ मिलकर हम तो यही जयकारे लग रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं जुगल किशोर चावला सी ब्लॉक सनातन धर्म मंदिर सभा का कार्यकारिणी का सदस्य है। आज हमारे मंदिर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ राम प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। हम यहाँ पर बहुत खुशियों के साथ भंडारे की व्यवस्था की हुई है। सभी बड़े हर्ष उल्लास के साथ आ रहे हैं और बड़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। जय श्री राम। जय श्री राम। राम वंश सुथार। ये मंदिर अपने में एक अनोखा है। नर नारी हर कोई आज खुश है, खुशियों से झूम रहा है। जय श्री राम। श्री राधेश्याम मंदिर मानसरोवर गार्डन से मैं सुनील सेवक मंदिर का अपनी सारे कार्यकारिणी के साथ यहाँ मंदिर में राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका यह प्रसारण सबको दिखा रहे हैं और खुद भी देख रहे हैं। ये सौभाग्य है हमारा कि मोदी जी के आने के कारण ये सारे कार्य हो पाया है। हमने आज तक मंदिर टूटते ही देखे हैं। हम ऐसे वंश हैं जो मंदिर का निर्माण होते देख रहे हैं। जय श्री राम।
हम बहुत भाग्यशाली हैं अपने जिंदगी में ये दिन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं राकेश मल्होत्रा श्री राधेश्याम मंदिर मानसरोवर गार्डन से आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो पहले तो सभी मेरे भारतवासियों को, और हमें बड़ा गर्व है कि हम इन क्षणों के सारथी बनने जा रहे हैं कि आज हमारे राम लला प्रतिष्ठित हो रहे हैं, और हमें गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर जो इन क्षणों का गवाह हमें बनाया, और 500 साल जो पुराना एक वो काम था और आज हमारे भगवानों का वो काम पूरा हुआ। तो आप देख रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, सभी तरीके से, चाहे वो उद्योग क्षेत्र से हों, चाहे वो फिल्मी जगत से हों, सभी तरह के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छा अपने आप को महसूस कर रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लगता है कि पारिवारिक में कोई खुशी होती है उससे ज़्यादा भी खुशी आज महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम साकेत बिहारी है और हम मानसरोवर गार्डन शारदापुरी मंदिर से हम लोग रिलेट करते हैं, और हम लोग बहुत धन्य हैं कि हम लोगों को इस समय में, इस उम्र में, और भगवान राम जी का और इतना बड़ा मंदिर देखने का मौका मिला है जहाँ पर उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। इस बार ही हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है जो हम लोगों की आँखों के सामने हो रहा है। तो हम लोग इतने कृतज्ञ हैं कि हम कह नहीं सकते, आपको अपनी बयान नहीं कर सकते अपनी भावनाओं को। जय श्री राम। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित् सुख सागर यस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि स्थिता। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि आज वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि भगवान राम अपने जन्म स्थली में प्रवेश कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को ऐसा मौका मिला, और हम सब कितने पवित्र हैं ये बड़े सौभाग्य की बात है। जय श्री राम। खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम